आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया कि निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है। ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों हमें अभिक्रिया दी गई है, हमें बताने कि जब यह अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर हमें जो है उत्पाद के तौर पे क्या प्राप्त होगा, ये हमें प्रश्न में पूछा गया। साथ में यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए गए, हमें बताने कि कौन से विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रश्न में रासायनिक अभिक्रिया को पूछी गई है कि यह अभिक्रिया किस तरह से होगी। तो हम सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं कि यहाँ पर हमें उत्पाद क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो समीकरण है इसमें संरचना दी गई है, इस संरचना को हम बना लेते हैं। यहाँ पर है CH3, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर है हमारा CH2। ठीक है, यहाँ पर हमारा मिसिंग है दोस्तों, यहाँ पर होगा हमारा कौन सा, कार्बन होगा CH3। इसके साथ कार्बन है, इसके साथ हमारे पास ऊपर की तरफ CH3 है, नीचे की तरफ एल्कोहल का समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास है CH2 और इसके साथ एल्कोहल का समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो ये जो हमारा है अभिकारक, इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, इसकी अभिक्रिया हम H2SO4 की उपस्थिति में करा रहे हैं। जब यहाँ पर ये अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इस अभिक्रिया में हमारा H2SO4 में क्या होगा, हमारा H+ आयन होगा। तो ये H+ आयन इसके साथ रिएक्ट करता है और हमें यहाँ पर उत्पाद के तौर पर क्या मिलता है, उत्पाद के तौर पर हमें जो संरचना प्राप्त होती है वो होती है CH3CH, इसके साथ यहाँ पर मिथिल समूह और यहाँ पर हमारा जो है CHO LDHD का क्रियात्मक समूह यहाँ पर उपस्थित होगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया दोस्तों इस तरह से हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमें जो इस उत्पाद को मिला है, ये उत्पाद का नाम क्या है दोस्तों, इसे हम जानते हैं LDHD का क्रियात्मक समूह है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा मध्य के साथ मिथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसे हम आइसो ब्यूटेरेल्डिहाइड के तौर पे हम इसे जानते हैं। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था कि यहाँ पर उत्पाद क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा आइसो ब्यूटेरेल्डिहाइड। ठीक है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। पहले विकल्प में हमें दिया गया है यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड वाली श्रृंखला दी गई है, तो ये ऑप्शन ये हमारा गलत होगा क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों हमें ओन दिया गया, मतलब कि कीटोन का समूह कहा गया, तो ये भी गलत होगा। यहाँ पर हमें एल्डिहाइड का समूह दिखाया गया परंतु ये श्रृंखला गलत है, तो ये भी गलत होगा। चौथे नंबर पर हमें यहाँ पर बिल्कुल सही कहा गया है आइसो ब्यूटेरेल्डिहाइड, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।